नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजनरिस। आज का वीडियो है राशि चक्र की सातवीं राशि वायु तत्व की राशि तुला राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2021 का साल कैसा रहेगा इसके बारे में। तुला राशि का जो ये प्रतीक है तुला, तो बैलेंस वाली राशि है, बैलेंस करके चलती रहे राशि है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2021 का साल कैसा रहेगा इसके बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह की ट्रांजिट से। तो शुक्र जो वृश्चिक राशि के अंदर चल रहे हैं, ये 3 जनवरी से चलेंगे धनु राशि के अंदर, यानी कि आपकी राशि से तीसरे स्थान के अंदर। पराक्रम स्थान में चलने वाले शुक्र आपके लिए बहुत शुभ होंगे, साहस में वृद्धि करने वाले होंगे, भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे, भाई बहनों से लाभ करने वाले होंगे और यात्रा छोटी छोटी यात्रा प्रवास से भी आपको लाभ करवाएंगे। शुक्र 27 जनवरी को मकर राशि में भ्रमण करेंगे। राशि से चौथे स्थान में चलने वाले शुक्र भी आपके लिए शुभ फल देने वाले होंगे, क्योंकि सुख स्थान के अंदर होंगे। तो सुख में वृद्धि करने वाले हैं और बिजनेस में कैरियर में प्रोग्रेस करवाने वाले हैं। तो शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है, तो ओवरऑल प्रोग्रेस इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेडिक्शन में बात करेंगे सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 7 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि तुला है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और कोई भी साल के अंदर 15 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म की सूर्य भी आपके तुला राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों तुला राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो बात करेंगे अब ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सूर्य का जो भ्रमण है वो पराक्रम स्थान के अंदर है, तीसरे स्थान के अंदर है, साहस भुवन के अंदर हैं, जो कि आपको नए साहस करवाने वाले हैं। लेकिन 14 जनवरी 2021 को सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे और चलेंगे आपकी राशि से चौथे स्थान के अंदर, छाती के ऊपर चलेंगे, जिसके कारण अननेसेसरी टेंशन टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और तुला में भी खास करके जो कोई भी जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, ये जातक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो 11 जनवरी से सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण शुरू करेंगे, ये आपके वध नक्षत्र में होंगे। तो 11 जनवरी के बाद से जो सूर्य का भ्रमण हो 11 जनवरी से जो सूर्य भ्रमण शुरू करेंगे उत्तराषाढ़ा में 24 तारीख तक, तो जिनका भी जन्म का सूर्य स्वाति नक्षत्र में है या तो जिनका जन्म का चंद्र भी स्वाति नक्षत्र में है, ये जातक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस टेंशन महसूस करेंगे। और ऐसे जातकों को अपने प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा। मकान वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि के कोई कार्य ना करें और हेल्थ का केयर करें, हेल्थ में भी खास करके अपने हार्ट का ज़्यादा केयर करें, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करें। तो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक का जो पीरियड है ये आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाला है। बिजनेस करियर के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस रहेगा, रिलेशन में माता पिता, जॉब में अपर लेवल, ये सब जगह पे आपको केयर करना होगा। इसके अलावा बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर है, जो भी दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना आ जाए या तनाव बढ़ ना जाए उसका भी आपको केयर करना होगा। पिता के साथ माता के साथ विवाहित जातकों को अपने इन लॉस में खास करके मदर इन लॉ के साथ, क्योंकि जो आपकी राशि से चौथे स्थान में चल रहे हैं सूर्य गुरु शनि, 14 जनवरी से सूर्य जो आ जाएंगे चौथे स्थान के अंदर, तो मंगल की सूर्य की शनि की तीनों तीन ग्रहों की दृष्टि जो आपके 10वें स्थान के अंदर होगी, तो 10वां स्थान है ये बिजनेस करियर का स्थान है। यहाँ पर आपको जबरदस्त स्ट्रेस टेंशन देखने को मिलेगा, रिलेशन में फादर के साथ, जॉब करने वाले जातकों को अपर लेवल के साथ, और विवाहित जातकों में खास करके अपने मदर इन लॉ के साथ
कुछ ज्यादा ही केयर करना होगा, क्योंकि तीनों तीन उग्र ग्रहों की दृष्टि दसवें स्थान के अंदर होगी और बॉडी का जो पार्ट है वो घुटना है, तो घुटने के ऊपर आपके प्रेशर आ सकता है। तो जो कोई भी जातक ऐसे मरीज है कि जिन्होंने घुटने का ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, नया घुटना डलवाया है, ऐसे जातकों को भी अपने व्यवहार के अंदर चलने फिरने में केयर करना होगा कि कहीं गिर ना जाए, कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि राहु ऑलरेडी आपकी राशि से अष्टम स्थान में चल रहे हैं। तो तमाम कार्य जो कुछ भी आप कर रहे हो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कहीं गिर ना जाए, फिसल ना जाए। एक्सीडेंट का मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि ऑलवेज वाहन के ऊपर होता है, आप सीढ़ी से गिर के फिसल जाओ, घर में फिसल जाओ, कहीं पानी गिरा हुआ है आपको पता नहीं है और आप स्लीप हो जाते हो, तो इट्स कॉल्ड ऑल्सो एक्सीडेंट। तो वाणी में भी आपको संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके धनस्थान के अंदर होगी, केतु आपके धनस्थान के अंदर है। केतु का नक्षत्र ज्येष्ठा है, ये खास करके तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए शुभ नहीं होंगे। पारिवारिक समस्या क्रिएट हो सकती है, फाइनेंशियल मैटर में डिस्टर्बेंस आ सकता है और वाणी के अंदर खास करके केयर करना होगा, अन्यथा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो शनि आपके चौथे स्थान के अंदर है, जो भी कैरियर का प्रोग्रेस स्लो करने वाला है, धीमी गति से कैरियर का प्रोग्रेस होगा। हालांकि रोग शत्रु पर आपको विजय देने वाले बनेंगे, शनि की दृष्टि छठवें स्थान के अंदर शत्रु पर विजय देने वाली है, रोग शत्रु पर विजय देने वाली है और हर कार्य विलंब से करवाने वाली है, क्योंकि दसवीं दृष्टि आपकी राशि के अंदर है, तो हर कार्य आपका विलंब से होगा। तो बुध ग्रह का भ्रमण जो है वो धनु राशि के अंदर है, पराक्रम स्थान में चलने वाले बुध 4 तारीख से चलेंगे चौथे स्थान के अंदर मकर राशि के अंदर, और बुध का यहाँ पर भ्रमण जो है वो 25 जनवरी तक होगा। तो बुध चौथे स्थान के अंदर शुभ फल देने वाले हैं, तो बुध का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ है, बिजनेस में करियर में प्रोग्रेस करवाने वाले होंगे और माता के सुख में भी वृद्धि करने वाले होंगे। हालांकि बुध 12वें स्थान के वो मालिक होकर 4थे स्थान में आते हैं, तो जिसके कारण आपका खर्च है वो भी आपका बढ़ेगा, मकान वाहन प्रॉपर्टी माता पिता के लिए आपका खर्चा ज़्यादा रहेगा। और 25 जनवरी से बुध चलेंगे पंचम स्थान के अंदर, तो ये फिर आपके अभ्यास के स्थान के अंदर आ जाएंगे, स्टडी के स्थान के अंदर आ जाएंगे। तो जो कोई भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनका प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो जाएगा और संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन आपका बढ़ सकता है और मित्रों के साथ भी आपको रिलेशनशिप में तनाव ना आ जाए, उसका केयर करना होगा। गुरु भले आपकी राशि से चौथे स्थान के अंदर नीच राशि के अंदर है, लेकिन गुरु की जो पूर्ण दृष्टि है आपके 8वें स्थान के अंदर है, जो कि आपके आयुष्य बल में वृद्धि करने वाली है, आपके बिजनेस में कैरियर में धीमी गति से प्रोग्रेस करवाने वाले बनेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है, इसके कारण फास्ट प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। अन्यथा गुरु की दृष्टि जो है ये आपका कैरियर प्रोग्रेस फास्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ में शनि बैठे हैं इसके कारण धीमी गति से आपका प्रोग्रेस होगा। और 12वें स्थान में गुरु की दृष्टि होने के कारण आपकी सेविंग में भी वृद्धि होगी, लेकिन धीमी गति से बचत में वृद्धि होगी। तो आपका 10वां स्थान जो है यहाँ पर महालक्ष्मी योग बनता है गुरु और मंगल की दृष्टि के कारण, तो बिजनेस में कैरियर में भी धीमी गति से आप प्रोग्रेस महसूस करेंगे। और ख़ास करके जैसे बताया वंस अगेन आपको बता देते हैं कि जो भी जातक विवाहित है मैरिड है, इनको रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ और विवाहित जातकों को अपने इन लॉस में खास करके मदर इन लॉ के साथ, जॉब करने वाले जातकों को अपर लेवल के साथ और अपने खुद के फादर के साथ रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा इस मंथ के अंदर जनवरी 2021 के अंदर। तो यदि आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र हैं जिनका जन्म तुला राशि में हुआ है, या तो जिनका भी जन्म आप जानते हैं कि जिनका भी जन्म 15 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में हुआ है, ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। सोशल मीडिया के तमाम प्रकार के माध्यम से वीडियो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन और नॉलेज का लाभ मिल सके। यदि आपको करियर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस व्हाट्सएप कर दीजिए आपके नाम के साथ, हम आपको व्हाट्सएप में ही आंसर करेंगे।
और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस व्हाट्सएप कर दीजिए और हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर ले सकते हैं। तो नंबर इस प्रकार रहेगा 9998011838 यानी कि 9998011838। अब जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।